हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके खुद के चैनल वर्चुअस में। आज हम एसपीए क्लर्क पी 2020 के लिए रीजनिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन लेके आए हैं, जिसमें हम ब्लड रिलेशन, लीनियर पजल और सर्कुलर अरेंजमेंट पर बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस बायलैंगुअल रहेंगे, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। वीडियो को पहले पॉज करें या स्क्रीनशॉट लेके खुद से अटेम्प्ट कर, उसके बाद डिटेल सॉल्यूशन देखिएगा। आई होप आप सभी ने अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेवन पर्सन्स ए बी सी डी ई एफ एंड जी बिलोंग टू द सेम फैमिली एंड इट इज अ थ्री जनरेशन फैमिली। सात लोग हैं, तीन पीढ़ी के हैं, एक फैमिली के हैं, ठीक है। उनमें से दो कपल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फैमिली ट्री बना लेते हैं। बी इज द अंकल ऑफ ए। बी ए का अंकल है। तो चलिए, बी का जेंडर हमें पता है, बी ए का अंकल है। ए का हमें जेंडर अभी तक नहीं पता, ठीक है। ए इज द पैटर्नल अंकल ऑफ एफ। ए एफ का पैटर्नल अंकल है, ठीक है। तो चलिए इस तरह, सॉरी, बी अंकल है ए का, तो बी का कोई भाई या बहन होगी जिसका बेटा या बेटी कौन है। ए ए पैटर्नल अंकल है एफ का। ए का भी कोई भाई या बहन भाई होगा, क्योंकि पैटर्नल अंकल है तो इसलिए भाई होगा। भाई का बेटा कौन है, एफ। तो ए का जेंडर भी हमें पता चल गया, ए क्या है, मेल। सी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ बी। सी एफ सॉरी बी की सिस्टर इन लॉ है, मतलब बी की भाभी है, ठीक है। बी की भाभी है तो ए की क्या हुई, माँ। चलिए यहाँ गया सी। सी का जेंडर हमें पता है, सी फीमेल है। नेक्स्ट देखिए, डी इज द फादर ऑफ एफ। डी एफ का फादर है, तो ठीक है। ए पैटर्नल अंकल था एफ का, तो ए का भाई कौन हुआ फिर, डी। एफ एंड ई आर फीमेल्स। क्या बताया कि ई और एफ जो है फीमेल्स है। तो चलिए, इधर ई को हम रख नहीं सकते, क्यों, हमें इधर फादर चाहिए, मेल चाहिए, इधर हमें फीमेल चाहिए, तो इधर हम ई को प्लेस करेंगे, ई फीमेल। अब ए की बचा कौन, जी। तो ये रहा जी, ये पिता होगा ए का। तो देखिए, दो इसमें मैरिड कपल है और बाकी एक दो तो तीन चार पाँच छः सात सात लोग हमने बिठा दिए हैं। तो चलिए इसके रिलेटेड क्वेश्चन देखिए। हाउ इज जी रिलेटेड टू सी। जी सी से किस प्रकार संबंधित है। तो आप देखिए, जी सी से किस प्रकार संबंधित है, जी सी का पति है, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, हाउ इज ए रिलेटेड टू डी। ए किस प्रकार संबंधित है डी से, ए डी का भाई है, चलिए ब्रदर। नेक्स्ट देखिए, जल्दी से क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए और उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा। सेम इंस्ट्रक्शन इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, खुद से अटेम्प्ट करो उसके बाद ही सॉल्यूशन देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एट पर्सन्स एम एन ओ पी क्यू आर एस एन टी आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन एंड फेसिंग नॉर्थ, ठीक है। चलिए जल्दी से दो केस बना लेते हैं। वन टू, पढ़िए। दे लाइक डिफरेंट फ्रूट्स। सबको अलग अलग फ्रूट्स पसंद है, बेरी, चेरी, एप्पल, बनाना, ऑरेंज, पपाया, ग्रेप्स एंड मैंगो, नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, ठीक है। क्यू लाइक्स ग्रेप्स एंड सिट्स थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ठीक है। क्यू को ग्रेप्स पसंद है और वो लेफ्ट हैंड से थर्ड पोजिशन पे बैठा है। तो एक दो तीन, यहाँ पे आएगा क्यू, क्या पसंद है, ग्रेप्स। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, सेम सेकंड केस पे भी हम ऐसे लेके चलेंगे, क्यू ग्रेप्स एक ये आठ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, टू पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड एस। दो लोग क्यू और एस के बीच में बैठे, इधर तो आ नहीं सकते लेफ्ट साइड, तो यहाँ आएगा एस। नेक्स्ट देखिए, वन पर्सन सिट बिटवीन एस एंड वन हु लाइक पपाया, ठीक है। फर्स्ट केस में हम पपाया को यहाँ पे लिखेंगे, सेकंड केस में हम पपाया यहाँ लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए, थ्री पर्सन आर सिटिंग बिटवीन द वन हु लाइक पपाया एंड एम। तीन लोग एम और पपाया पसंद करने वाले के बीच में बैठे हैं, ठीक है। एक दो तीन, यहाँ आएगा एम। एक दो सॉरी एक दो तीन, यहाँ आएगा एम। नेक्स्ट देखिए, ओ लाइक्स बेरी एंड सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एम।
ओ को बैरी पसंद है और वो एम के सेकंड लेफ्ट में बैठा है। तो फर्स्ट केस में एम कहाँ है, यहाँ पे, इसका सेकंड लेफ्ट 1 2, तो यहाँ पे आएगा ओ। क्या पसंद है ओ को, बैरी। सेकंड केस में एम ये रहा, इसका सेकंड लेफ्ट देखिए 1 2, यहाँ तो आ नहीं सकता, क्यों, यहाँ पे तो ऑलरेडी ऐसे है, तो ये सेकंड केस हमारा गलत है, तो हम फर्स्ट केस के साथ चलेंगे। टू पर्सन सिट बिटवीन ओ एंड एन, दो लोग ओ और एन के बीच में बैठे, ठीक है। मोर देन टू पर्सन सिट बिटवीन एन एंड टी, एन और टी के बीच में दो से ज़्यादा लोग बैठे, 1 2, दो से ज़्यादा मतलब तीन तो कम से कम बैठ नहीं है, तो यहाँ तो आ नहीं सकता एन के राइट में, तो एन के लेफ्ट में देखिए 1 2 3, तो यहाँ आ सकता आपका ओ एन और टी। हु लाइक्स चेरी, और टी को चेरी पसंद है। पी लाइक ऑरेंज, पी को ऑरेंज पसंद है, तो यहाँ पे तो एक ही खाली है जो पी ऑरेंज। द वन हु लाइक्स मैंगो इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ वन हु लाइक बनाना, ठीक है। जिसको मैंगो पसंद है वो बनाना के सेकेंड लेफ्ट में बैठा है, ठीक है, ठीक है। तो मैंगो आपका यह आएगा यहाँ पे बनाना। बचा क्या एन के लिए, क्या बचा एन के लिए, बचा एप्पल, और यहाँ पे क्या बचा आर, ठीक है। चलिए इसके रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग लाइक्स पपाया, पपाया किसको पसंद है, पपाया पसंद है आर को। हाउ मैनी पर्सन लिव्स बिटवीन एन एंड पी, एन और पी के बीच में कितने लोग बैठे, एन और पी के बीच में बैठा है 1 लोग, मतलब एस 1, ऑप्शन नंबर पी। नेक्स्ट देखिए, जल्दी से अटेम्प्ट करो, उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा। आई होप आप सभी ने अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए एम डी पी आर टी बी एंड एच आर सिटिंग अराउंड ए सर्कल फेसिंग द सेंटर, ठीक है। एम इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, एम ए के थर्ड लेफ्ट में है, ठीक है। ए 1 2 3, एम हु इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ टी, जो टी के सेकेंड लेफ्ट में है, ठीक है, तो टी यहाँ आएगा। डी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ एच, हु इज सेकेंड टू द राइट ऑफ टी, डी एच के सेकेंड राइट में और एच टी के सेकेंड राइट में, तो 1 2, टी का सेकेंड राइट रहा और एच के सेकेंड राइट में क्या होना है डी। आर इज सेकेंड टू द राइट ऑफ बी, आर बी के सेकेंड राइट में, हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ टी, और जो बी है वो टी का इमीडिएट नेबर नहीं है, तो मतलब बी यहाँ नहीं आएगा, तो बी कहाँ आएगा, बी यहाँ आएगा और आर इसके सेकेंड राइट में, बचा कौन, बचा पी, ठीक है। तो चलिए इसके रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट द फर्स्ट एंड द सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी रिस्पेक्टिवली, फर्स्ट लेफ्ट कौन है डी, सेकेंड लेफ्ट कौन है एम, डी और एम, ऑप्शन नंबर ई। हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ टी, टी के थर्ड राइट में कौन बैठा है 1 2 3, एम। आई होप आप सभी को हमारी जो वीडियो है पसंद आई होगी। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को। आज के लिए इतना ही, हैव अ ग्रेट डे।